जिसे हिंदी में मासिक धर्म भी कहते हैं, यह हर महिलाओं के साथ होने वाली एक आम मासिक क्रिया है जिसमें उन्हें समस्या तो होती है लेकिन यह होना हर महिला के लिए जरूरी है। मासिक धर्म आमतौर पर एक लड़की को 13 साल की उम्र में होना शुरू हो जाता है जो हर महीने 4 से 5 दिन तक चलता है। अधिकतर 45 साल की उम्र तक महिलाओं को मासिक धर्म होता है जिसके बाद यह प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मासिक धर्म महीने के ऐसे दिन होते हैं जिसमें एक महिला को लगातार ब्लड आने के कारण तमाम तरह की कमजोरी, कमर दर्द, पेट दर्द जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। बात की जाए समय अवधि की तो हर महीने महिला को कितने दिन पीरियड चलना है यह उसकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पीरियड का रंग आपकी सेहत का हाल बताता है? आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगी कि कैसे आपका पीरियड का रंग आपके शरीर का हाल बताता है, तो जानिए विस्तार से इस वीडियो के द्वारा। ब्राउन कलर, किसी के पीरियड का कलर डार्क ब्राउन कलर का होता है। दरअसल ब्राउन कलर पुराने रक्त का प्रतीक है। ऐसा तब होता है जब रक्त काफी समय से गर्भाशय में इकट्ठा हुआ होता है जो लंबे समय बाद बहा होता है। ऐसा आमतौर पर सुबह सुबह के समय में देखने को मिलता है। अगर हो हल्के लाल रंग का ब्लड, अगर आपके पीरियड का रंग हल्का लाल है तो यह आपके स्वस्थ होने की निशानी है। अधिकतर यह पीरियड्स के दूसरे दिन देखने को मिलता है। विशेषज्ञों की माने तो यह उन्हीं के साथ होता है जिनकी पीरियड साइकिल लंबी होती है जो बाद में थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। लाल रंग का रक्त, अगर आपके पीरियड का रंग लाल है तो इसका मतलब है कि जो खून हाल ही में आपके अंदर बना है वो तुरंत निकल गया है। ये वाला खून काफी हल्का होता है और दिन के समय जब फ्लो ज्यादा होता है तभी लाल रंग का स्राव होता है। काला या ग्रे रंग का स्राव, जी हाँ, कई महिलाओं में पीरियड ब्लड काले या ग्रे रंग का भी पाया गया है। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें क्योंकि इससे गर्भाशय में संक्रमण का खतरा रहता है। नारंगी रंग का फ्लो, ऐसा तब होता है जब गर्भाशय ग्रीवा के साथ मिलकर बाहर निकलता है। इस रंग का रक्त भी कभी कभी संक्रमण का सूचक होता है। तो अगर आपको लगे कि आपके पीरियड का रंग लाल के अलावा किसी और रंग का आ रहा है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगी कि आप बिना किसी देरी किए अपनी लेडी डॉक्टर से संपर्क करें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी से संतुष्टि मिली होगी। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप अपनी और बहनों से भी इस वीडियो को साझा करें। प्राप्त हुई होगी।